सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। अगर नीयत अच्छी है तो नसीब कभी बुरा हो ही नहीं सकता। भगवान के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि भगवान वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि भगवान वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। मन का शांत रहना भाग्य है, मन का वश में रहना सौभाग्य है। मन में किसी को याद करना अहोभाग्य है, मन में कोई आपको याद करे परम सौभाग्य है। आज का पंचांग 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष के सप्तमी तिथि, रात्रि 1:19 तक रहेगी। इसके उपरांत अष्टमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नामक नक्षत्र सुबह 6:15 तक रहेगी। इसके उपरांत पुष्य नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 12:11 से 1:36 तक रहेगा। आज का कोई अभिजीत मुहूर्त नहीं है। आज चंद्रमा मिथुन राशि पर रात्रि 12:02 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, जहां पर जल्दी प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्दी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कर्क राशि 23 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार, अभी आपका ध्यान अपने घर पर है, क्योंकि इसकी मरम्मत और नवीनीकरण करना प्राथमिकता है। अपने परिजनों से बातें करें और उनके साथ समय बिताएं। कहीं दूर लंबी यात्रा आपको शांति प्रदान करेगी। नए कौशल सीखें, क्योंकि आने वाले दिनों में यह आपके लिए आरामदायक रहेगा। चंद्रमा की नई कलाओं से आपको जीवन का नया नजरिया मिलेगा, जिससे आप कई सुनहरे मौके पाएंगे। आज आप हर बात को लेकर भावुक रहेंगे, इसीलिए छोटे छोटे बातों से निराश ना हो। लोगों से बात करके गलतफहमियों को दूर किया जा सकता है। क्रोध के क्षण में धैर्य का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में सहायता करता है। नजदीकी संबंधी के साथ चल रहा विवाद किसी के मध्य स्थिरता से हल हो जाएगा। आपके मान सम्मान तथा यश कीर्ति का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ेगा। धार्मिक तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में कुछ समय व्यतीत करने से मानसिक सुकून रहेगा। सकारात्मक समय की शुरुआत होगी, इस बात का अधिक से अधिक फायदा उठाने की कोशिश करें। नए अवसर आपको आसानी से प्राप्त होंगे और इन अवसरों को हासिल करते हुए बड़ा आर्थिक लाभ प्राप्त करना भी आपके लिए संभव हो सकता है। जीवन से संबंधित नजरिए बदलने से आध्यात्मिक प्रगति होती नजर आ रही है। कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है, इस कारण प्रभावशाली लोगों के साथ काम करने का मौका मिलेगा। रिलेशनशिप में सुधार आएगा। पार्टनर को समझना आपके लिए आसान होगा। सावधानियां, किसी पारिवारिक सदस्य का नकारात्मक व्यवहार चिंता का विषय बन सकता है। शांति से समाधान निकालें। अफवाहों की चिंता न करते हुए अपने कार्यों में ही व्यस्त रहें। सफलता मिलने पर यही लोग आपके पक्ष में भी आएंगे। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध मधुर रहेंगे। जीवन साथी तथा परिवार के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाने का मौका मिलेगा आपको। कभी कभी दिमाग की जगह दिल से काम लेना सुख और शांति देता है। आज अपने पार्टनर के प्रेम की खुशबू आपको मधुर बनाए रखेगी। आप नौकरी और रिश्तों दोनों से कोई अच्छी खबर मिलने की संभावना है। अपने ध्यान को अपने जीवन के विशेष व्यक्ति की तरफ आकर्षित करें और अपने विचारों को उससे बांटें। इससे आपके लोगों के बीच की गलतफहमी दूर होगी। इससे पहले अपने प्यार की महत्वपूर्ण निशानी चॉकलेट खरीदना ना भूलें, क्योंकि यह निराशा को भरने का अच्छा उपाय है। बात करते हैं करियर की। संपत्ति वाहन या बिल्डर्स के लिए यह चरण लाभप्रद है, जिससे आपको लाभ होगा, साथ ही आपका भविष्य भी सुरक्षित होगा। माँ की तरह कोई स्त्री या केयर टेकर आपका सही मार्गदर्शन कर सकती है। अच्छा, आपका पूरा ध्यान भौतिक सुरक्षा और आने वाली और शुरू की तरफ होगा। आसपास के लोगों और परिजनों की सलाह भी आपके जीवन को सुखमय बनाएगा। माना कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जाती, पर पैसे के बिना
खुश होना भी थोड़ा मुश्किल होता है। युवाओं को जॉब की प्लेसमेंट संबंधित शुभ समाचार मिल सकता है। व्यवसाय में निवेश करना भविष्य में फायदेमंद साबित होगा। रिलेशनशिप संबंधित व्यवसाय में परिस्थितियां पहले से बेहतर होगी। सरकारी नौकरी पेशा लोगों को कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। बात करते हैं सेहत की। असंतुलित खान पान से परहेज रखें। वायु विकार व जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। शरीर में पानी की मात्रा भी कम हो सकती है, ख्याल रखें। आज का उपाय। आज अब गणेश भगवान जी को सिंदूर चढ़ाएं, लाल फूल चढ़ाएं, बहुत शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।